इंग्लैंड के डेवोन की रहने वाली 29 साल की मिशेल इनमैन को एक दिन अचानक में सिर में दर्द उठा। दर्द इतना तेज था कि उन्हें हॉस्पिटल जाने की नौबत आ गई और अगले दिन उनकी मौत हो गई। ये है पूरा मामला। मिशेल और उनके पति जेम्स साथ बिजनेस करते थे और हाल ही में उन्होंने अपनी शादी की तीसरी सालगिरह मनाया था। इससे भी खास बात ये था कि मिशेल 3 महीने 11 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। बीते सोमवार को उन्हें अचानक सिर में दर्द उठा। दर्द इतना तेज था कि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। पहले तो डॉक्टर को भी लगा नॉर्मल दर्द होगा, लेकिन जब उनका टेस्ट किया गया तो पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। इसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया और उनकी सर्जरी भी की, लेकिन कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि अगले दिन ही माँ और बच्चे दोनों की मौत हो गई। 3 साल पहले हुई थी दोनों की मुलाकात। जेम्स ने बताया कि 3 साल पहले साल 2014 में जब मिशेल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही थी तो उनकी मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों में प्यार हो गया और शादी कर ली। जेम्स ने बताया कि करीब 3 महीने पहले ही हमें खुशखबरी मिली थी कि हम माँ बाप बनने वाले हैं। इतना ही नहीं, इसी सप्ताह हमने अपनी शादी की तीसरी सालगिरह भी सेलिब्रेट किया था। हमारी जिंदगी काफी खुशहाल थी। हमने हाल ही में एक नया घर लिया था और हमारा बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन हमारी खुशी इस तरह मातम में बदल जाएगी इसका अंदाजा भी नहीं था। जेम्स का कहना था कि इस हादसे ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। उनका कहना था कि जिंदगी में किसी के साथ कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता।